इंदुबा के मन का बहुत बड़ा घमंड था, वो समझते थे कि मैं ही त्रिलोकी का ईश्वर हूँ। अपने क्रोध का प्रलय करने वाले मेघों को ब्रज पर चढ़ाई करने का आदेश दे दिया। भक्तों और कहा, हे मेघो जाओ, उस ब्रज मंडल पर इतनी घोर वर्षा करो जो कि सारे ब्रजवासी बहते हुए यमुना में चले जाएंगे। भक्तों आगे क्या होता है, आज इंद्र ने आदेश दे दिया है मेघों को, तो क्या हुआ कि किस तरह से भगवान कन्हैया भोजराज कंस का वध करते हैं और पूजन करके सुख शांति से अपने अपने जगह पर बैठ जाएंगी सभी माताएं। भक्तों सभी ग्वाल वाल ये वार्ता चल रही है, तो आज इस तरह से जब मूसलाधार वर्षा होने लगी, इंद्र ने 7 दिन तक घमासान वर्षा करवाई, वृंदावन के लोग तरह तरह करने लगे, रोने लगे और कहने लगे, प्रभु मेरी रक्षा करो, प्रभु मेरी रक्षा करो। आज हमारा कौन है? उसी समय तभी भगवान कहने लगे कि तुम ब्रजवासियों चिंता न करो, श्याम सुंदर समझा करके कहने लगे, ये सब करतूत इंद्र की है, क्योंकि इंद्र की हमने पूजा नहीं की, इसलिए ये इंद्र घमासान वर्षा कर रहा है। और बोले हैं प्रभु श्याम सुंदर समझा करके कहने लगे, सुनो ब्रेक जाए तो आया तब ब्रेक में मत। प्रभु बोले रोपो मती मन में धारो दी, प्रभु बोले रोपो मती मन में धारो दी, हे ब्रजवासियों रो मत, चिंता न करो। अरे जब हमने भगवान की पूजा की है तो वही गोवर्धन हमारी रक्षा भी करेंगे, इसलिए शांत हो जाओ। भगवान बोले गोवर्धन हमारी रक्षा तो अवश्य ही अवश्य करेंगे, इतना मुझे उन पर पूरा विश्वास है, हम उनके पास चलते हैं। उसी समय आते ही खेल खेल में भगवान श्याम सुंदर ने गोवर्धन पर्वत को उखाड़ लिया और अपने सबसे छोटी उंगली पर धारण कर लिया। भक्तों जब धारण किया है भगवान श्याम सुंदर ने गोवर्धन को और कहने लगे ब्रजवासियों से, क्या श्याम सुंदर समझा करके कहने लगे कि मेरे गिरी के नीचे आजा, अब है हमारे बड़े भ्राता राजपाल ये मुद्राओं से भरे हुए हार से
हमें एवं हमारे बड़े भाई राजीव को सम्मानित कर रहे हैं। शुभ शांति की कामना है। कहने लगे हैं भगवान श्याम सुंदर कि मेरे गिर के नीचे आए जा, गोवर्धन नीचे आए जा, तुम भीगे जनता खड़ी खड़ी। भगवान श्याम सुंदर कहने लगे अपने ब्रजवासियों से, मेरे गिर के नीचे आए जा, गोवर्धन नीचे आए जा, लिया है अपनी सबसे छोटी उंगली पर, तो सभी से इशारा करने लगे, आ जाओ। अरे तुम इतनी दूर क्यों खड़े हुए, मेरे गिर गोवर्धन के नीचे आ जाओ, इधर। जब श्याम सुंदर को सभी ग्वाल वालों ने देखा, अरे छोटा सा बालक और ये इतनी छोटी उंगली पर गोवर्धन धारण किए हैं, उसी समय सभी ग्वाल वालों ने क्या किया, Thank you.
श्याम सुंदर सभी गोप लाठियां लाए और खड़े होकर गोवर्धन को धर्म साधने के लिए सभी भगवान का सहारा लगाने लगे। सबके थोड़ी देर में सांस उखड़ने लगी। भगवान श्याम चंद्र के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। सब हार करके बैठ गए। यह देखकर प्रभु हंसने लगे और इंद्रदेव भी हार करके बैठ गया। मंडल पर पानी की एक भी बूंद नहीं गिरी। श्याम ने पर्वत को उतार करके नीचे रख दिया। जब श्याम ने पर्वत को नीचे रखा है श्याम सुंदर ने, तो सभी लोग सभी ब्रजवासी जय जयकार करने लगे। आप हैं महाराज सत्यपाल सिंह, सत्यपाल गिरी महाराज, ये परम देव महाराज बेदू वाले महाराज के पास में रहते हैं, उनका पूजन पाठ करते हैं। ये भगवान के भक्त हैं। ये 51 मुद्राएं भगवान के चरणों में दान दे रहे हैं और मैं इनसे आशीर्वाद की कामना चाहूंगी। आपका आशीर्वाद मिलता रहे तो प्रभु का गुणगान अच्छा चलता रहे। बोलिए सच्चे दरबार की। भाइयों, श्याम ने पर्वत को उतार करके नीचे रख दिया तो सभी जय जयकार करने लगे। सभी घर लौट आए। सुबह गाय चराने के लिए गए, तभी इंद्र अकेले में आकर के भगवान श्याम सुंदर से मिले और भगवान श्याम सुंदर से क्षमा याचना करने लगे। तभी भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया और कहा, मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया है। इंद्र कहने लगा, प्रभु मैं नहीं जानता था आप एक अवतारी हैं। ये प्रभु, अगर हमसे कोई गलती बन गई हो तो प्रभु मेरी गलतियों को माफ कर देना। उसी समय आज भगवान श्याम सुंदर ने इंद्र को क्षमा किया है और भगवान श्याम सुंदर अपने स्थान पर आ जाते हैं और इंद्र अपने इंद्र इंद्रासन आसन पर चला जाता है। बोलिए गोविंद भगवान की, गोविंद महाराज की। आइए भगवान का एक वचन बोलेंगे, उसके बाद में आगे बहुत अच्छी कथा।